बिल्कुल सक्सेसफुल रहेंगे। दो तीन बिंदु मैं रखना चाहता हूं, जैसा कि अभी हम लोग बात कर रहे थे, ग्रीवियंस रिड्रेसल जो है वो हम लोग के पब्लिक सर्विस का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होना चाहिए। कई बार कॉल्स मेरे पास भी आते थे, अब तो खैर बहुत कम होने लगे हैं, कि सर फलना जगह पे इतना देर से लाइट नहीं है। अगर डीएम के पास कॉल आ रहा है, इसका मतलब उसके अधीनस्थ के जो चैनल्स हैं, या तो ग्रीवियंस को हम लोग ठीक से रिड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तभी कॉल सीधा डायरेक्टली वहां पे जा रहा है। इसके बारे में वर्तमान में जो कार्यपालक अभियंता है उनसे चर्चा भी हुई है, और एक ऑल्टरनेटिव ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए हम लोगों ने कुछ प्रयास किया है। कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत ही अटपटे समय पे कॉल आए, तो उन समय पे आपको रिप्लाई बहुत ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक हेल्पलाइन नंबर जो है अगर हम लोग दे सके, ताकि लोग विद्युत की एग्जैक्ट स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, लाइन अगर कटी है तो कब तक में आएगी, किस कारणवश कटी है, तो इससे लोगों को सहूलियत बहुत ज्यादा होगी। दूसरा जो कि मेजर समस्या आता है ग्रीवियंस रिड्रेसल में, वो है कि एस्टैब्लिशमेंट में जो आप लोग के प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्जांपल किसी का सर्विस कंडीशंस के अनुरूप उसको जो पे मिलना है वो नहीं हो पा रहा है, तो वो सब आप लोग सुनिश्चित कर लें। ये कार्यालय जो है प्रणाली बहुत अच्छी मानी जाती है कि हम लोग अपने ही एस्टैब्लिशमेंट वाले मैटर्स को जितनी जल्दी हम लोग रिड्रेस कर सके, उतना बढ़िया हम लोग का वर्कफोर्स काम करेगा। It is only a very bad workman that quarrels with his own tools. अपने अधीनस्थ को अगर आप खुश रखेंगे, उनके हितों का ध्यान रखेंगे, तो वो आपके लिए ऑब्वियसली अच्छा काम करेंगे। तो ये आप लोग सुनिश्चित करवा लें कि आपके जितने भी establishment वाले matters हैं, स्थापना वाले matters हैं, उसमें किसी प्रकार की समस्या ना आए। और तीसरा जो पॉइंट है वो है कि कंज्यूमर्स के साथ आपका इंटरफेस, जैसा कि अभी लोक शिकायत पदाधिकारी निवारण पदाधिकारी बता रहे थे, मैक्सिमम मीटर्स की रीडिंग्स और बिजली बिल के भुगतान में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है उसकी वजह से हो रहा है। तो इसके लिए जो है कई बार आप लोगों के द्वारा कैंप्स भी किया गया है, जो कि काफी सराहनीय कार्य है, और भविष्य में भी इस प्रकार से अगर आप लोग सुनिश्चित कार्य को सुनिश्चित कराएंगे तो हम लोग को इसमें किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। अधीक्षण अभियंता महोदय भी बता रहे थे कि लास्ट के दो बार से शायद कोई नहीं गया है वहां पे कंप्लेंट, तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट है, और उम्मीद रहेगा कि भविष्य में भी कोई कंप्लेंट अराइज होने से पहले ही हम लोग उसको रिड्रेस कर सकें। कंप्लेंट अराइज होने के बाद रिड्रेस करना एक सॉर्ट ऑफ फेलियर होता है। कंप्लेंट अराइज नहीं होने देना वो सबसे बड़ा सॉर्ट ऑफ पब्लिक सर्विस है, उससे बढ़िया पब्लिक सर्विस आप लोग नहीं हो पाएंगे। और बिहार के जो 7 निश्चय थे उसमें हर घर बिजली भी एक शुरू में निश्चय रखा गया था, स्टारवे को अचीव करने के बाद इसको हटा दिया गया था 7 निश्चय में से, और उसके लिए मैं आप सभी को मुबारकबाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जो आज कोविड में आज अगर आप लोग को सम्मानित किया गया कोविड के काल में निर्बाध बिजली आपूर्ति उपलब्ध कराने के संबंध में, तो उस समय आप लोगों से मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो आज जो है आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिला है, तो ये काफी आप लोगों के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया था, और उसके लिए आज आप सभी को सर्टिफिकेट्स भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त भी कुछ सर्टिफिकेट्स हैं, तो मेरे ख्याल से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और अधीक्षण अभियंता महोदय आप लोग को उपलब्ध करा देंगे। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के जो वर्तमान MD साहब हैं वो हमारे काफी अच्छे मित्र हैं, और उन्हीं के बातों में, उन्हीं से बात करने के बाद आज का जो इस मीटिंग को जो है हम लोगों ने इतने लार्ज स्केल पर रखा है। हम उम्मीद करते हैं कि किशनगंज जो है, आप लोग हमेशा किशनगंज में रेवेन्यू जनरेशन के मामले में दोनों सर्कल्स जो है यहाँ पे किशनगंज एज वेल एज बहादुरगंज, उसको आप लोग नॉर्थ बिहार में अव्वल रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ और आपको शुभकामनाओं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।